नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल उद्धव ठाकरे की बहुत चर्चा हो रही है। उद्धव से कहां गलती हो गई और किसकी हाय लग गई उसको। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अब इस बात का एहसास खुद भी हो रहा होगा कि किसी को धोखा देने का क्या परिणाम होता है। उद्धव ठाकरे ने बहुत सारे धोखे बहुत सारे लोगों को दिए हैं, जिन पे मैं बात करने जा रही हूँ। ठाकरे ने बीजेपी को धोखा देकर भले ही एनसीपी और कांग्रेस से मिल करके कुछ समय के लिए सरकार बना ली हो, लेकिन अब उनके हाथ से सत्ता और संगठन दोनों निकल गए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन 25 साल तक चला। 25 साल कोई छोटा समय नहीं होता और देश में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा जहां दो पार्टियों ने 25 साल तक मिल करके चुनाव लड़ा हो। लेकिन 2019 में हुए महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को सत्ता की इतनी ज्यादा भूख हो गई, इतनी ज्यादा लालसा हो गई कि उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया। यहाँ तक कि बालासाहेब ठाकरे की हिंदूवादी शिवसेना का चरित्र बदलकर उन्होंने सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी से गठजोड़ कर लिया। इससे महाराष्ट्र की जनता को भी काफी धक्का लगा। उसे लगा कि वो ठगी गई है, क्योंकि उन्होंने तो भाजपा और शिवसेना को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ धोखेबाजी करते हुए 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते ही शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर देते हैं और यहीं से पार्टी में विद्रोह शुरू होता है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने विद्रोह की एक जो अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही थी उसको एकदम से जगा दिया और उद्धव ठाकरे को 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जनता से ठगी करने वाले उद्धव सत्ता से बाहर हो गए और शिवसेना के कई नेताओं विधायकों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी में महत्व ना मिलने, उन्हें इम्पोर्टेंस ना मिलने, उन्हें इग्नोर करने और उपेक्षा का आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे की हिंदू विरोधी नीतियों और सरकार में शरद पवार की मनमर्जी कुछ ज्यादा ही चलने के खिलाफ शिवसेना के विधायकों ने ठाकरे का पाला छोड़ करके शिंदे कैंप में अपना डेरा लगा लिया। इससे ठाकरे की सत्ता का तख्ता पलट हो गया, जैसा कि जाहिर है। और ताजा मामले में शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने उद्धव और उसके बेटे आदित्य ठाकरे को भी निशाने पर लिया है। रामदास कदम कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को इस बारे में अपने आत्मा से बात करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आखिर 50 से अधिक विधायक और 12 सांसदों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन करने का फैसला क्यों लिया। कदम ने यह भी कहा कि जब शिंदे गुवाहाटी में थे तो उनकी शिंदे से बात हुई थी, इसके बाद शिंदे पार्टी में वापस आने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उनकी ये कोशिश इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि ठाकरे के आसपास जो लोग मौजूद थे उन विधायकों ने उनके लिए बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे गुट द्वारा निकाले जाने के बाद शिंदे कैंप में पहुंचे शिवसेना नेता रामदास कदम ने नेतृत्व पे सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी से निकालने से पहले मातोश्री से किसी ने उन्हें एक बार भी कॉल तक नहीं की, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, कदम ने पार्टी मुखिया उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी अपने निशाने पर लिया और कहा कि विधायकों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आदित्य को कम से कम अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए, जो उसके सामने है उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। रामदास ने उद्धव ठाकरे गुट पर आरोपों की छड़ी लगा दी है। कदम के इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने उन्हें अपने गले लगाया और फिर से नेता नियुक्त कर दिया। कदम ने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आखिरकार शिवसेना को तोड़ने में कामयाब हो गए, उनकी योजना सफल हो गई,
बाला साहेब के जीवित रहते शरद पवार जो नहीं कर पाए थे वह उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया, और वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि शिवसेना का ये विभाजन 2.5 साल में हुआ, नहीं तो 5 साल में पूरी शिवसेना खत्म हो जाती। इससे पहले भी रामदास कदम ने ये कहा था कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार शिवसेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में सबूत शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सौंपे थे। पवार ने शिवसेना को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया, डैमेज किया, और उन्होंने दावा किया कि कुछ विधायकों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन ठाकरे पवार से अलग होने को तैयार नहीं थे। और आदित्य ठाकरे, इनकी तो बात ही अलग है, उद्धव के बेटे आदित्य पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि युवा राजनेता को अपने विधायकों के बारे में बात करते समय अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। आदित्य ठाकरे जो किसी दौर में कदम को अंकल कहते थे, आगे बढ़कर के उनका मंत्रालय छीन लेते हैं, और अपने पूरे जीवन में कदम ने ऐसी राजनीति कभी नहीं की थी। कोई बाहरी व्यक्ति उनके कैबिन में बैठ करके बैठक नहीं कर सकता, लेकिन आदित्य ठाकरे चूंकि उद्धव ठाकरे के बेटे थे इसलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, कुछ नहीं कहा। अब मैं आती हूँ कंगना रनौत पे। आपको याद होगा उस दौरान के कंगना के ट्वीट। उद्धव ठाकरे की सरकार के नेतृत्व में डीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया था। उस समय कंगना रनौत ने कहा था कि, अब गौर करिएगा दोस्तों, उसने कहा था कि उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कंगना ने कहा, 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन खाली करो जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। और 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है, और सत्ता के घमंड में आकर के जनता का विश्वास तोड़ना, उनका घमंड भी टूटना निश्चित है। ये किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है, और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो शिव भी नहीं बचा सकते। एकनाथ शिंदे की बगावत से शुरू हुआ शिवसेना में बिखराव लगातार जारी है। पिछले एक महीने में उद्धव ठाकरे को जितने झटके मिले हैं शायद ही उन्हें अपने राजनीतिक करियर में इतने झटके लगे। शिवसेना में हो रही टूट इस तरह इशारा करती है कि उद्धव ठाकरे का अपने विधायकों और सांसदों पर से नियंत्रण, विश्वास कम हो रहा है। ये सब दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता और पार्टी के संस्थापक बाला साहब की विरासत को भुना नहीं पाए, बचा नहीं पाए। आखिर उद्धव ठाकरे से गलती कहाँ हुई? अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बातों पर ध्यान दें, उनकी बात माने, तो 1967 में शिवसेना की स्थापना करने वाले बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच एक बुनियादी फर्क है। उन्होंने दावा किया था कि पुत्र को पिता की विरासत स्वतः मिली क्योंकि पिता ने उन्हें यानी कि पुत्र को नेतृत्व की भूमिका सौंपी, और उद्धव ठाकरे ने अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास नहीं किया। उन्होंने हर चीज को काफी लाइटली लिया, हल्के से लिया, और उद्धव ठाकरे ने 2003 में शिवसेना का नेतृत्व संभाला। तब से नारायण राणे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख और उनके अपने चचेरे भाई राज ठाकरे जैसे नेताओं के असंतोष का सामना करना पड़ा। उस समय बाला ठाकरे जीवित थे, अपनी विरासत और पार्टी की पकड़ खोने की परिणति पिछले महीने एक नाथ शिंदे के विद्रोह के रूप में दिखी जब बाला ठाकरे मौजूद नहीं थे। बाला ठाकरे का आप जानते हैं कि 2012 में निधन हो गया था, और पिछले महीने शिवसेना विधायक दल में विभाजन हो गया था। उसके बाद ठाकरे ने शिवसेना को एक और झटका मिला,
बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, जो बाद में उद्धव ठाकरे को मिली, उस शिवसेना ने उन्हें एक और झटका दिया जब लोकसभा में उनके 19 सदस्यों में से 12 ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति अपनी निष्ठा जताई। शिंदे गुट के शिवसेना राहुल शिवाले को लोकसभा में पार्टी का नेता चुन लिया गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी हार है। शिवसेना का गढ़ मानने वाले ठाणे जिले के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता भी शिंदे खेमे में शामिल हो चुके हैं और आप आने वाले समय में देखिएगा कि और काफ़ी सारे लोग शिंदे के खेमे में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने शुरुआत की थी कि उद्धव ठाकरे से कहां गलती हुई और किसकी उन्हें बददुआ लगी, किस तरीके से वो अपनी सत्ता नहीं संभाल सके। बहुत सारी गलतियां वो लगातार करते चले गए, बहुत सारे लोगों का वो विश्वास तोड़ते चले गए और बहुत सारे लोगों की उन्होंने बददुआ ले ली। तो फिर आज वो देखे ना कि वो आज कहाँ खड़े हैं। आज जहाँ वो खड़े हैं उसके नीचे ज़मीन भी नहीं है, कोई उनके साथ नहीं है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।